नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक नई वीडियो के साथ आया हूं, क्योंकि काम के कारण थोड़ा सा बिजी थे तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे। पर अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आएगी और अलग अलग टॉपिक्स पे, सोलर से रिलेटेड, उसके अलावा भी और भी जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनसे रिलेटेड सारी वीडियो यूट्यूब पर आया करेगी। तो जो आज की मेरी वीडियो है ये सोलर से थोड़ा सा हटके है। ये मैं एक्चुअली मैंने कुछ थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है जो मेरा गोडाउन है उसके पास में ही, उस पर ही गोडाउन पे ही, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा कैसे हम उसके जो वर्किंग कैसे है उसकी और फिल्टर वगैरह हम उसमें कैसे करते हैं। ये वीडियो एक फ़िश टैंक के बारे में है, जैसे कि अभी देख सकते हो अभी हाल ही में मैंने एक फ़िश टैंक तैयार किया है। इसको हम पॉन्ड भी बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड, जिसमें आप देख सकते हो सीमेंटेड इसको बनाया गया। और कम से कम ये, अगर पूरी टोटल हाइट की बात करूँ तो लगभग 5-5.5 फीट के अराउंड है। पानी का लेवल इसमें लगभग 3 फुट के आसपास है। इसके अंदर एक छोटा सा झरना भी बनाया है आर्टिफिशियल, जो हमारा होता है वाटरफॉल, और उसी में फ़िल्टर लगाया गया है। उसके अलावा दो एक फ़िल्टर वैसा वहाँ पर लगाया हुआ है, नॉर्मल जो फ़िल्टर एक्वेरियम के अंदर हम लगाते हैं, और वाटर हीटर भी लगाया है, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और टेम्परेचर को मेंटेन रखना ज़रूरी है। टेम्परेचर का आप लोगों को पता ही है, नॉर्थ इंडिया के अंदर 0-1-2 डिग्री तक चला जाता है आमतौर पे। तो उस हिसाब से इनको जो फिश होती है इनको टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री से ऊपर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर हीटर लगाए गए। और आमतौर पर भी ये दो हीटर लगा रखे हैं, एक 300 वाट का, एक 500 वाट का, तो उससे टेम्परेचर जो है हमारा वो लगभग 15-20 डिग्री के आसपास ही मेंटेन रहता है। साथ के साथ पानी फिल्टर भी होता है। तो अभी जो इसके अंदर मेन इशू हुआ था वो हो गया था कि इसमें एल्गी ब्लूम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काई जम गई थी, तो उस कारण से इसका थोड़ा सा ग्रीन कलर हो चुका है। और उसके लिए ही हमने एक फिर बायो फिल्टर मैंने बनाया है, तैयार किया है। यूट्यूब पे और भी वीडियो है जिनके अंदर बायो फिल्टर तैयार करने के बारे में बताया गया, तो मैंने भी बायो फिल्टर तैयार किया है। और उसके थ्रू मैं जो इसका फिशेज का जो वेस्ट है अमोनिया, उसको ब्रेक डाउन करके और फिर वो उसको काई खाएगी, काई कंज्यूम करेगी, और उसके बाद उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फिश कंज्यूम करेगी। तो उस तरीके से डिज़ाइन होगा। इसमें कल ही लगाया है तो काफ़ी हद तक पानी साफ भी हुआ है, उतना नहीं हो पाया। आप देखते हो तो फिशेज वगैरह भी यहाँ पे घूम रही है, कोई फिश छोटी हुई है, इसके अंदर और भी काफ़ी सारी फिश है। और यहाँ से ये हमारा झरना है इसके अंदर, इसको भी बंद किया हुआ है, इसको मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। झरने के साथ ही मैंने जो हमारा फिल्टर है वो लगाया हुआ है। तो इसके अंदर जो हीटर है और वो हमारा उधर वाला जो हमारा फिल्टर है वो तो 24 घंटे चलता रहता है। उसका हमने कनेक्शन सोलर से और मेन सप्लाई से किया हुआ, अगर सोलर नहीं तो मेन सप्लाई से चलेगा पर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कंटिन्यूस। जो ये वाला फिल्टर है इसका एक स्विच है, इसको हम चाहे तो ही ऑन कर सकते हैं चाहे बंद कर सकते हैं इसको। और इसके अंदर हमने लाइट भी डाली हुई है, वाटर प्रूफ लाइट है, आपको पता होगा स्ट्रिप आती है पूरी वाटर प्रूफ लाइट की। उसको हमने एक ऑटोमेटिक टाइमर लगाया हुआ है, अभी हमें देख सकते हो कि यहाँ पर एक टाइमर लगा हुआ है। तो इसका टाइमिंग है मॉर्निंग में ये 5-7 बजे तक, और इवनिंग के अंदर ये हमारी शाम के 5 बजे से लेके 10-11 बजे के राउंड तक ये चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। अब आप देख सकते हो मेरा जो फिल्टर है वो चालू हो चुका है, नीचे मोटर लगी हुई है, वहाँ पर पंप लगा हुआ है, पंप से पानी को पंप करके ऊपर आता है और यहाँ से फिल्टर के अंदर जा रहा है। पहले डायरेक्ट यहीं पर पड़ता था पानी, तो अब इसमें फिल्टर लगा दिया तो पानी वहाँ जा रहा है पाइप के थ्रू, और उसमें से फिल्टर हो गए बायो फिल्टर में से वापस इसी टैंक के अंदर आके गिर रहा है हमारा पानी। और ये काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाता है इसमें, उसमें काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह वहाँ पे रुक रहा है उसमें, और जो काई वगैरह है वेस्टेज वगैरह सारा वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ये हमारा पानी यहाँ से झरने के रूप में नीचे गिरना चाहता है। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पानी कैसे गिरता है इसमें से, यहाँ पर दिखाना, ये देखिए, ये देखिए देखें हमारा फिल्टर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इसके अंदर आपको चैलेंजेस बता देता हूँ कि चैलेंजेस मेरे को क्या क्या आए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये, क्योंकि एज ए शौकिया तौर पे मैंने स्टार्ट किया और ये फर्स्ट टाइम ही फिशेज को रखने का एक्सपीरियंस है, तो इसमें चैलेंज क्या आए। सबसे पहले हमने टैंक बनाया था, एक छोटा टैंक था वो इसमें थोड़ा कम साइज में था, पर उसमें क्या इशू हो रहा था कि उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह का मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी,
फिर हमने उसको राइज करके बड़ा टैंक बना दिया। अब ये पूरा बड़ा पॉन्ड बन गया हमारा। उसके बाद क्या इशू आया कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट भी लगा हुआ है, ये साइड में हमने वाल भी नेट की ही बनाई हुई है। तो क्या हुआ कि जो पंछी वगैरह होते थे नीलकंठ या दूसरे जो पंछी थे वो इसमें से मछलियाँ निकाल के ले जाते थे, उस कारण से हमने इस पर नेट डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डॉग है जो रखा हुआ है डॉग यहाँ पे, तो कई बार वो भी पानी के अंदर कूद के और मछलियाँ निकाल के ले गया। तो इस कारण से हमने फिर दोबारा ये इसकी दीवार बनाई और नेट डाल दिया। उसके बाद से वो इशू तो हमने सॉल्व कर दिया, ना तो पंछी इसके अंदर इसमें से मछलियाँ निकाल पाते हैं, ना ही अब इसके अंदर डॉग जा रहा है, और नेट लगने के बाद बिल्कुल सेट है। उसके बाद जो मेन इशू हमारे पास आया हुआ है टेम्परेचर का, मछलियाँ ठंड के कारण टेम्परेचर डाउन होने के कारण वो मरने लग रही थी, तो हमारे को मेन यही लगा कि शायद टेम्परेचर की वजह से मर गई होगी वो, और वो रीज़न था भी, ठीक है जी। तो उस कारण से फिर हमने इसके अंदर हीटर लगा दिए। हीटर लगाने के बाद भी इशू आ रहा था कि इसमें एक दो मछलियाँ हमारी मरने लग रही थी, तो उसका भी हमने फिर जो एक्वेरियम वाले लोकल बंदे उनसे भी जानकारी ली और ऑनलाइन वगैरह भी पता किया, तो पता चला कि इनको जो हम फीड डालते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डालते थे, क्योंकि सर्दियों के अंदर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो फीड डालने की वजह से मछलियाँ मर जाती है, तो इस वजह से हमने उनका फीड भी बहुत कम कर दिया है। और अब तो इसके अंदर काई हो चुकी है, तो काई फिशेज खा रही है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब कि इनको कोई इशू नहीं आ रहा है मछलियों को, तो ये सर्वाइव कर रही है काफ़ी टाइम से। अभी इसके अंदर करंटली 14-15 के अराउंड मछलियाँ छोड़ी है, और पानी फिल्टर के थ्रू धीरे धीरे साफ हो रहा है, झरने से पानी की अच्छी तरह साथ के साथ। अब जो मेरा इसके अंदर नेक्स्ट रहेगा स्टेप, उसके अंदर हम जो ग्रास है अंडर वाटर की, जो हमारी ग्रास होती है प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना। मैंने पहले भी बीज डाला था पर शायद सर्दियों की वजह से वो नहीं हो पाया, फूट चुका था, उसमें से पौधे भी निकल चुके थे, पर उसके बाद वो टायर के ऊपर आ गया, नीचे जड़ नहीं पकड़ पा रहा था, और जो हमारे इसके जो पत्ते वगैरह थे वो सूखने शुरू हो गए थे। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ इधर से, उसके अंदर आप देख सकते हो वहाँ पे भी एक प्लांट अभी है पानी के अंदर, और यहाँ से भी आप उधर से भी देख सकते हो वहाँ पे भी एक प्लांट है। तो जैसे ही झरने का पानी गिरना शुरू हुआ है मछली आप देख सकते हो सारी की सारी उसके आसपास आ गई है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर, फ्रेश तो नहीं बोल सकते पर ये कि ये फिल्टर होकर काफ़ी ज़्यादा इधर आके गिर रहा है, उस जो दूसरा वाटर है उससे ज़्यादा काफ़ी क्लियर है, इस वजह से सारी मछलियाँ यहाँ पे आ गई है। तो अभी इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे इसको एक नेचुरल पॉन्ड में, सेल्फ सफिशिएंट पॉन्ड के अंदर मैं कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये थोड़ी सी वीडियो हमारे सोलर के प्रोजेक्ट से थोड़ी सी अलग थी, पर जैसा कि आपको चैनल का नाम भी पता लॉन ट्रैकर, इसमें सिर्फ सोलर का ही नहीं, सोलर तो हमारा एक अलग ब्रांच है, इसमें और भी वीडियो आएंगी और ट्रैकिंग से रिलेटेड भी वीडियो आगे अब आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई सुझाव हो इस पॉन्ड के लिए, जो मेरे मित्र एक्वेरियम वगैरह जिनके पास हो या जो इसमें करते हो काम, तो वो मेरे को अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और बताएं कि किस तरीके से मैं इसको सेल्फ सफिशियंट पॉन्ड बना सकता हूँ और कौन सी फीसिस इस पॉन्ड के अंदर चलेगी, ये सारी बातें आप मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।